हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हमारी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी की घर खुशियां लेकर के आए और आप सभी के सारे अरमान पूरे हों। आज हमारा दीपावली व्लॉग है, तो शुरू करती हूँ मैं कि आज दीपावली के दिन शुभी ने रंगोली बनाई। मैं तो शुभी जब से रंगोली बनाने लगी है तो रंगोली के लिए दीपावली वाले दिन एकदम टेंशन फ्री रहती हूँ कि कोई है एक काम में तो कोई हेल्प है कि शुभी बना देगी रंगोली। बाकी के सारे काम तो मेरे अपने ही हाथ के रहते हैं, अकेले सुबह से शाम कैसे हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए ना मैंने आज सुबह शूटिंग बिल्कुल भी नहीं की थी, कुछ भी ना नाश्ता ना खाना, जैसे रोज हो रहा था वैसे ही होता गया। फिर दोपहर का टाइम था कि शुभी ने रंगोली बनानी शुरू करी। शुभी ने आज महालक्ष्मी जी की बनाई है रंगोली, लक्ष्मी माता कमल के ऊपर बैठी हुई और उनके हाथ में कलश है, धन की वर्षा हो रही है, मतलब वही एक सिंबल प्रतीक बनाया है उसने, तो उनकी ये ड्रेस बना रही है। तो ये था कि ये जो रंगोली होती है फाइन वर्क होता है, टाइम लगता है इनमें, अगर शाम 4 बजे से शुरू करो तो कब वो 6 बज जाते हैं पता नहीं चलता। इसलिए मैंने उससे बोला था कि दोपहर में जब खाना पीना हो जाए थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर तुम बनाना शुरू कर लेना अपना। इन्हें कहाँ दोपहर में नींद आती है, अपना रंगोली बनाना शुरू किया शुभी ने। तो अभी ये स्ट्रक्चर बना रही है। जब उसने मुझे बोला था कि मैं ये रंगोली बनाऊंगी तो मैंने कहा तो बहुत टफ लग रही है शुभी, कैसे बनेगी। तो उसने बोला कि नहीं मैं बना लूंगी, तो मैंने कहा ठीक है। और जब इसने ये हाफ बना के बना लिया था तब मैं गई हॉल में, देखा मैंने शुभी बना रही है। मैं बेडरूम में थी, थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया मैंने, तब तक इसकी आधी रंगोली बन गई थी। तो मैं बहुत खुश थी कि कितनी सुंदर रंगोली बनाई है, इतना प्यारा चेहरा। आज मैं रंगोली से रिलेट अपनी लाइफ का एक बहुत ही यादगार हिस्सा शेयर करने वाली हूँ, जो कि शुभी की मैं बात कर रही हूँ, रंगोली की, और रंगोली की बात कर रही हूँ। मैं शुरू से ही तो अकेले ही थी, सब कुछ मैंने पूरा एक अकेले ही संभाला किया था। तो शुभी थी 3.5 साल की, यानी शुभी के 3 साल बाद शुभम हुआ था और शुभम था 6 महीने का। हम मुर्तजापुर स्टेशन में रहते थे, शहर में रहते थे, हस्बैंड की पोस्टिंग थी मुर्तजापुर, तो एक किराए का घर था, हजारे करके मतलब मकान मालिक थे हमारे, उनके घर में हम रहते थे। छत में हमारा कमरा था, 2 कमरे 1 किचन, जैसे यहाँ पे 2 कमरा किचन हॉल है ना, वहाँ हॉल नहीं था, किचन और 2 बेडरूम किचन और 1 बेडरूम और 1 कॉमन रूम। तो दोपहर का खाना पीना हुआ, सुबह से काम कर ही रही थी, तब उन दिनों गुप्ता जी की ड्यूटी दीपावली दशहरे वाले दिन भी होती थी क्योंकि वो ट्रैक मेंटेनेंस में थे। अभी जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर में, इसलिए दशहरे दिवाली की छुट्टी है क्योंकि वो ट्रेनिंग सेंटर है, वहां छुट्टी होती है, बाकी ट्रेन ट्रैक में किसी को नहीं मिलती छुट्टी दशहरा दिवाली। तो बल्कि बाहर उसी दिन बाहर ही कहीं चले जाना है, आसपास के स्टेशन है, बडनेरा में ड्यूटी लगी थी। मैं सारा काम वाम करके दोपहर में जब शुभम को मैंने सुलाया, शुभम फीड करता था मेरा, शुभम को सुलाया चुपके से, शुभी तो दोपहर में सोती नहीं थी, फिर भी मैंने उससे कहा सो जाओ फिर शाम को ये होगा वो होगा करके बहला फुसला के सुलाया। और सुलाया इसलिए कि मैं आराम से रंगोली बना लूं। वो घर छोटा सा था, छत में था, तो पूरा छत में अंधेरा सा रहता था, तो मैंने कमरे दरवाजे की जो चौखट थी ना वहां पर ऐसे सामने में रंगोली बना दी। मैंने रंगोली बनाई, 5 बज गए थे करीब, और मैं मुंह धुलने चली गई कि अब साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो जाऊं। मैं मुंह धो के आई तो मैंने क्या देखा, शुभी बैठी है रंगोली के पास और उसने हाथों से जैसे लीपा जाता है वैसे रंगोली को लीप दिया, क्योंकि उसको जो कलर दिखे उसको लगा ये क्या चीज है, तो उसको छूने के चक्कर में पूरा उसने सानी मानी मचा डाली। मेरा तो इतना रोना रुक ही नहीं रहा था, रोए जा रही मैं, मतलब मुझे दुख के तो मैंने इतना मरमर के काम किया, इसने उस जतन से रंगोली बनाई और ये क्या हाल हो गया, और ऊपर से उसके हाथ जो रंग गए सो अलग, और वो जो घर दरवाजे पे इतना गंदा, ना रंगोली बनी होती तो भी बेहतर था। लेके बाल पहले झाड़ू से पूरी उठाई रंगोली, फिर पानी डाला, और रोए जा रही हूँ पानी डाले, धुलाई मचाई पूरी वो दरवाजे के बाहर, कम से कम साफ तो रहे वो सब करके। तो आज क्या हुआ, जब सुबह मैंने शुभी की धनतेरस वाली रंगोली समेटी थी
एक छोटा सा है ना ब्रश, उससे निकाल के प्लेट में निकाली थी, मुझे अचानक से उस दिन की बात याद आ गई। तो सोचो समय कैसे बदलते हैं। एक समय था जिस बच्ची में रंगोली मिठाई लीपा पोती की थी, आज की तारीख में दीपावली वाले दिन भी मुझे चाहे जितने काम हो पर मुझे रंगोली की कोई फिक्र नहीं। देखो वो खुद बना रही है और इतनी सुंदर रंगोली बना रही है कि मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा। तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, समय देखो कैसे बदलते हैं, और जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो मतलब जब मैं ये काम नहीं कर पाती थी तो भगवान ने सोचा होगा ना कि बच्ची को ये सिखा दे, ये हुनर दे दे कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और मुझे हेल्प मिल जाए। तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और पर पुराने दिन भूलते तो बिल्कुल भी नहीं है ना, याद आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह। मतलब कोई बच्चा संभालने वाला भी नहीं था मेरे पास कि तो टाइम से शुभी की रंगोली बन गई, फिर उसने हाथ मुंह धुला, फिर शाम की दूध चाय हुई। नाश्ते में आजकल सूखा नाश्ता है तो कोई चिंता नहीं रहती, जैसे दोपहर में देर से ही खाना ही हुआ, आज छुट्टी भी थी हस्बैंड की। और अब शाम के समय में हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए, तो मैंने ये साड़ी पहनी है और सारे दीपक जलाए हैं। सारा मैंने यही प्लेटफॉर्म में रख दिए थे दिए वगैरह, ऐसे आधे आधे जला के ट्रे में लेकर के फिर बच्चे रखते जाएंगे। तो पहले जैसे दीपक जलाया और फिर हम लोगों ने इंट्रो किया जो आपने स्टार्टिंग में क्लिप देखी है, तो अम्मा यही दीवान में बैठ गई थी ऐसे, तो फिर हम लोग सब लोग साथ में दिख रहे थे क्योंकि हम लोग खड़े हुए हैं तो उनको ऐसे बिठा दी, मतलब बैठ गई, उन्होंने कहा कि हम यहाँ बैठ जाएंगे, उन्होंने बोला कि खड़े नहीं होना है उनको, तो फिर इसलिए ऐसा रखा सेट किया कि वो बैठे और हम लोग सब लोग दिखते रहें। और फिर फटाफट से दो चार फोटो निकाली गई जैसा कि हमेशा होता है, क्योंकि जहां काम में लग जाओ, पूजा हुई कि फिर खाना पीना बना कि फिर कहां फोटो शोटो याद रहता है। लास्ट ईयर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी दीपावली के लिए दीपक लेकर के, इस बार वो भी भूल गई क्योंकि वो पहले ये रहा ना कि पहले सब फैमिली के साथ कर लेते हैं, और फिर एक फोटो साथ में भी हुई और बच्चों के साथ भी ली गई। अब मंदिर में तुरंत पहुंचे पूजा करने के लिए, हम लोगों ने 7 बजे ही पूजा आरती देख, तो गुरु घड़ी में देखो एकदम 7 बज रहे हैं, बस आरती की तैयारी। वो मेरा पल्लू गिर गिर जा रहा है, वो जूड़ा इस तरीके का बना है फूला फूला सा ना, और वो जो फूल उसमें क्लिप लगी हुई है वो टिकटॉक वाली, वो ठहर ही नहीं रहा है पल्लू। तो बस अब फटाफट से पूजा की तैयारी शुरू। और दीपावली वाले दिन तो मतलब वक्त का पता ही नहीं चलता, जो सुबह से काम शुरू भैया बिस्तर से उठते ही और कैसे शाम 6 बज जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। और ऊपर से फैमिली में टाइम से नाश्ता खाना पानी बर्तन फिर शुरू, फिर ये फिर वो कपड़े लत्ते साफ सफाई, जिस कोने को साफ करो दूसरा कोना याद आता है वहां ये करना है वहां ये करना है। और पहले हम लोगों ने गणपति जी की आरती की, हम लोगों को मराठी वाली आरती रटी हुई है सुखकर्ता दुखकर्ता, उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती हुई, सबने बारी बारी से आरती की। और हम लोग यहाँ खड़े हैं, अम्मा वहाँ बैठी हैं, ये जो बेड है ना इसके ऐसे साइड में बैठी हैं, और फिर सब आरती साथ में हुई। हम 5 लोग थे, अच्छा है शुभ संख्या 5 लोगों की। और फिर आरती बारी बारी से, अम्मा ने वहीं दूर से ऐसे आरती की थाली लेकर के दूर से ही मंदिर के लिए ऐसे आरती कर ली थी, तो क्योंकि वो ऐसे यहाँ पे वो आरती की ट्रे है ना वो उसमें सारे दिए रखे हैं, तो वो कहने लगी कि ऐसे भारी लगेगा उनको ऐसे आरती करने में, तो फिर ऐसे ही कर लिया। और लक्ष्मी जी की आरती हम लोग वो हिंदी वाले ही करते हैं, बाकी जो हमारे केंद्र में होता है ना आरती पाठ वो करते हैं पूजा हम लोग। और पहले से ही मतलब वो मारने की सारी तैयारी बताई जाती है, लेकिन उसमें हम लोग के यहाँ केंद्र में घंटी बजाना या फिर ऐसे ताली बजा के नहीं करते हैं, वो ऐसे सिर्फ पाठ करने रहती हैं, तो वो सब मैंने अपना अलग से कर लिया था पूजा के लिए। और शूटिंग में ही रहता है, ऐसे रखो कैमरा की वैसे रखो कैमरा की कैसे देखिए। अब जब चारों लोग एक जगह रहते हैं तो फिर बहुत सोचना पड़ता है। और प्रसाद वगैरह लगा करके, एक तो हमारा मंदिर छोटा सा वहां पे कॉर्नर पे पड़ जाता है, उस जिस अलमारी के ऊपर रखा है मंदिर, बगल में वो सोफा है, तो प्रसाद भोग कहाँ रखो, वो तो बहुत वो हो जाता है। जैसे पूजा हो गई तो फिर हम लोग अम्मा के पैर छुए, और बच्चों ने हमारे यहाँ लड़कियों से पैर नहीं छुलाते, तो शुभी ने नहीं छुआ, शुभम ने छुआ और हम लोगों ने छुआ। और बस इसके बाद फिर खाने की तैयारी रहती है कि सीधे खाना लग करो, तो मेरे तो एक ही दिमाग में था ना कि जल्दी से खाना बनाना है रात का,
और फिर दीपक रखने थे, सारे ट्रे में रखे हुए थे। शुभी से कहा, शुभी सब दीपक दरवाजे में रखो, फिर बाकी बालकनी में मैं रखने गई। ऐसे दोनों लोग मिलकर रख रहे थे ताकि सब एक ही समय में सारे दिए रख जाऊं, क्योंकि जब पता चल रहा होता है कि आधे रखे हैं अभी आधे बाकी, ऐसा हो जाता है ना। और लक्ष्मी जी की तो रंगोली इतनी सुंदर, साक्षात लक्ष्मी जी, मन ऐसे प्रसन्न हो गया पता, बहुत वास्ते से रियल में बहुत सुंदर रंगोली। वो येलो कलर क्योंकि क्वाइंस गोल्ड क्वाइन की वजह से येलो ज्यादा है, तो वीडियो में कैसा लग रहा है तो मैं मतलब ऐसे अच्छे से समझ नहीं पा सकती, पर रियल में बहुत सुंदर रंगोली, फिनिशिंग इतनी सुंदर साफ सफाई के साथ बना हुआ। तो वो तो मैं पहले ही बोलती हूँ, रंगोली चाहे सिंपल बनी हो बस क्लीन होना चाहिए, पूरा ऐसे भरा भरा सा ना रहे। और यहाँ मैंने ये रखा हुआ था छोटा सा चौकोर, यहाँ पर बनाया था रंगोली, और यहाँ दिया लगाया था और पट्टे लगाए स्टिकर वाले, इसलिए मैंने उससे कहा कि रंगोली मत बनाओ। वो कह रही थी यहाँ दरवाजे भी पूरा बना दूं क्या, मैंने कहा आने जाने में वो फिर खराब ही हो जाता है ना, क्या फायदा, फिर पैर में रंगोली लगती है। और तुलसी जी के पास दीपक रखना, और यहाँ की जो बालकनी है यहाँ पे पूरा ऐसे दूर 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 ऐसे दीपक रखना। आज तुलसी जी के जो नीचे पत्थर रखा है हमारा पहला वाला, ये सुबह रंगोली बनाई थी तो वही चिन्ह बनाए थे मैंने छोटे छोटे से लक्ष्मी जी के, और यहाँ पे ये सब रखा। और ये है व्यू हमारे किचन की विंडो से बाहर का, पटाखे फूटने शुरू। बच्चों को तो सब्र नहीं है, शुभम को भी बार बार लग लग के रह रहा है कि पटाखे फोड़ने चलें क्या पापा। हमने कहा रुक रुक, पहले खाना खा लो एक बार फिर जाओ पटाखे फोड़ने, सब छत में ही पटाखे फोड़ेंगे। और यहाँ बालकनी में मैंने जो तोरण और ये झालर लगी थी ना बेडरूम के बाहर बालकनी, एक तो सामान सब तरफ रखा हुआ है, देखो कहाँ हटाऊं, वॉशिंग मशीन है, यहाँ हैंगर है, वहां बाल्टी है, वहां मग्गा है, वहां पानी डालने वाला वो शावर है। और ये जो कैंडल्स थी ना ये यहाँ पर मैंने जलाई, ब्लू और रेड वाली जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑनलाइन जो ली थी। ये जब अंधेरा हो जाता है ना डार्क में तो बहुत सुंदर दिखती है, मतलब रोशनी दिखती है। वैसे अभी तो खैर अंधेरा तो कुछ है नहीं, चारों तरफ लाइट 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 है, तो भी मैंने इनको जलाया, सुंदर लग रही है। अब फेस्टिवल में तो ये सब चीजें अच्छी लगती है ना, वैसे चाहे कौन कैंडल लाइट डिनर कर रहा है घर में और कौन सजावट के लिए लगा रहा है, तो ये भी जलाई मैंने। और वो जो लैंप रखे हैं उनमें बल्ब लगा करके लगता है, लेकिन जो बोर्ड है वहां जहाँ टीवी लगा है, आज तो टीवी लगा है, हाँ टीवी निकाला गया था, ऊपर से ही वो जो सेट टॉप बॉक्स है ना वहीं से कुछ गड़बड़ थी, तो फिर आए थे रिपेयर करने तो उन्होंने टीवी ठीक किया। अब ये जो सेरेमिक है ये भी जलते हैं, लेकिन वो प्लग लगा करके जलेंगे लाइट से। और अक्सर जब भी पूरी शूटिंग हो जाती है तो कुछ लोग कहते हैं तुमने पूरा व्यू नहीं दिखाया, अक्सर मैं कमेंट पढ़ती हूँ पूरी साड़ी और लुक नहीं दिखाया। तो ये देखो मैं इस तरीके से तैयार हुई थी, मेरे चार ही रहता है, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर और काजल। साड़ी पहनना, सूट पहनना, कुछ भी पहनना हो, चार लगा दिया चेहरे पे बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर। और शुभी ने फिर मेरी पूरी साड़ी जूड़े सबका वीडियो लिया, और जूड़ा भी मैं ना ऐसे क्लच वाला लगाती हूँ बस फटाफट से बन जाता है। वो शुभी ने हेयर स्टाइल बनाई थी वो आगे से जो ट्विस्ट ट्विस्ट करके। और अब मैं फटाफट से खाने की तैयारी में लग गई हूँ, मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर बिना प्याज लहसुन का, इतना टेस्टी बना था। क्योंकि जो वो इतनी हड़बड़ाहट में फटाफट से चीजें बनती हैं डर रहता है, लेकिन वो प्रसाद के लिए बन रही होती है ना, पूजा के लिए, तो एक सिंपल बिना प्याज लहसुन का कम तेल मसाले में भी बहुत स्वाद सब्जी बन जाती है, वो जब पूजा के भाव से बनती हैं। और यहाँ मेरा खाना बनाना शुरू, वहाँ इन लोगों का प्रसाद पूजा हुई तो थोड़ा थोड़ा सब लोग प्रसाद ले रहे हैं, तो मैंने इन लोगों से कहा तुम लोग निकालो खाओ, मैं फटाफट से भाई खाने की तैयारी में लगती हूँ। और यहाँ मैंने पनीर कट किया, पनीर मार्केट से लाए हैं गुप्ता जी आज शाम को, और काफी टाइट है, सख्त है, कड़ा है, मतलब सॉफ्ट नहीं है। लेकिन अब जो भी है बनाना था, पहले था ना क्या बनाए क्या बनाए। ये मटर मैंने फ्रोजन फ्रीज से निकाले हैं फ्रीजर से, और टमाटर हरी मिर्ची अदरक यूं काटा ग्राइंडर जार में डाला डायरेक्टली फटाफट से, और इसे मैंने पीस लिया, क्योंकि जब भी हम बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनाते हैं तो हमें टमाटर ज्यादा से चाहिए प्योरी के लिए, तो मैंने छोटे छोटे थे तो तीन लिए हैं, बड़ा साइज नहीं था, बड़े बड़े होते तो दो में भी काम चल जाता। और ये प्योरी तैयार हो गई है, और अब मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, सरसों का तेल, थोड़ा ज्यादा सा तेल है क्योंकि इसमें मैं फ्राई कर रही हूँ पनीर। ये बिल्कुल ऐसे जैसे नहीं कड़क, मुझे तो ऐसा लग रहा है आलू से थोड़े सॉफ्ट हैं, ये नहीं मैं कह रही आलू जैसा, मतलब कटिंग ऐसे हो रही थी जैसे कि कोई चीज सब्जी जैसी काटी जाती है, तो इनको मैंने ऐसे ऐसे फ्राई कर लिया हल्का सा ऐसे गोल्डन गोल्डन सा। और फ्राई करने के बाद इन्हें दूसरे बर्तन में निकाल के जो तेल है फिर इसी में सीधे सब्जी छौंक लेंगे, ऐसा मैंने सोचा।
और ये चिपक भी नहीं रहा है। अगर बहुत सॉफ्ट पनीर होता है तो पूरा ऐसे कढ़ाई में डाल के एक साथ फ्राई करो ना, तो ऐसे घुलने सा लगता है या फिर ऐसे बिखरता चिपकता है, सिकुड़ता है। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। और ये रखा मैंने साइड में। और कढ़ाई के तेल में तेज पत्ता, जीरा और लाल सूखी मिर्ची, तड़का लगाने के तुरंत बाद मैंने डाला ये टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट तेल में। और इसी टाइम पर सूखे मसाले डाल दूंगी ताकि सब साथ में ही भुनते चले जाएंगे। और सूखे मसाले की मसालदानी बगल में रखी, एक तो एक 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 याद कर करके ना सारा सामान, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और होममेड गरम मसाला, ये चार ही चीजें सूखे मसालों में जो मैं डालती हूँ रेगुलर, वही मैंने डाला है बस। अगर बहुत थिक चाहिए ग्रेवी तो आप यहाँ पर इस टाइम पे जब मैंने मसाले डाले हैं तो रोस्टेड में बेसन भी डाल सकते हैं, भुना हुआ बेसन, उससे ग्रेवी थिक हो जाती है। या फिर काजू पीस के डाल सकते हैं। इस समय तो जब मैं अभी काम कर रही थी तो बस मुझे लग रहा था जल्दी छौंकना है बस सब्जी। और ये फ्रोजन मटर मैंने 2 बार पानी से धो लिया है, तो धोने से वो एकदम नरम से हो जाते हैं, वो आई साइज रहती है उनमें पैकेट में। और अब मैंने नमक भी साथ ही में डाला है और अब मिक्स कर दिया है, तो मसाले, टमाटर और ये मटर सब अच्छे से भुन जाएंगे। बढ़िया सा भुन गया है, मसाले अच्छे से भुन गए और तेल ऐसे थोड़ा सा ऊपर ऊपर आने लगा हल्का हल्का। इस टाइम पे मैंने डाले हैं पनीर जो फ्राई किए, हाँ अभी डाल दिया। वैसे अक्सर मैं पहले मटर की सब्जी बना के फिर पनीर डालती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसा भी बनाया और पनीर डाल करके मिक्स किया जैसे आलू मटर बना रही हूँ ऐसा। और उसके भूनने के बाद फिर मैंने पानी डाला है और इसे ढक दिया। ढकने के बाद दूसरे काम में लगी मैं रायता बनाने के लिए। आंच मैंने मीडियम कर ली थी। सीधे मैंने एक बाउल निकाला, दही फ्रिज से निकाल करके इसमें डाल करके पूरी गाढ़ी दही थी, एक चम्मच निकाली दही जो मुझे अगले दिन जमाने के लिए चाहिए, कल के लिए, बाकी पूरी दही का यूज किया। इसमें मैंने अच्छे से फेंट लिया, फिर थोड़ा पानी डाला क्योंकि पूरी गाढ़ी दही है और बूंदी रायते में ना फिर एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। और ये मिक्स कर लिया, फेंट लिया पानी और दही, थोड़ा ही पानी डाला है 1 कप के जितना। और फेंटने के बाद डाली है बूंदी, और बूंदी डालने के बाद सीधा इसमें मैंने डाला है भुने जीरे सौंफ वाला पाउडर जिसमें हींग भी मिक्स है, तो ये रायते मसाले का काम कर जाता है। चीनी और नमक डाला है, चीनी से हल्का सा मीठापन आता है, अच्छा लगता है पूरी के साथ खाने में रायता, और नमक स्वाद के अनुसार सबको डाल के मिक्स किया नमक और चीनी। धनिया पत्ता काटा मैंने, थोड़ा इसमें डाला, बाकी रखा सब्जी के लिए। और यहाँ देखो किचन से रोशनी दिख रही है, पूरे दूर दूर तक लाइटिंग लाइटिंग, पटाखों की तो इतनी तेज तेज आवाज, ऐसा लग रहा है कि बस न पूछो, ऐसे घर में ही कोई पटाखे फोड़ रहा है ऐसा लग रहा है। और जैसे ही मैंने तड़के पैन में राई, जीरा, हींग गरम किया, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली और ये तड़का डाल दिया रायते के ऊपर, तो हमारा बूंदी का रायता तड़के वाला तैयार। हम लोग को मतलब आदत में है तड़का डाल करके रायते में स्वाद लगता है, वरना हम लोग को फीका लगता है, या फिर प्लेन दही खा लो वो चल जाता है। और रात में आज रायता खाया जाएगा, पूरी बनी है तो आज बनेगा और खीर भी साथ में है। लास्ट टाइम मैंने पूछा था ना खीर और रायता सर्व करें कि नहीं करें, अब क्या करो, त्योहार में कुछ बनाना है, मीठा भी चाहिए, दही पूरी सब्जी खाना कम्प्लीट लगता है। यहाँ पर सब्जी हमारी तैयार हुई तो मैंने वही भुने जीरे वाला पाउडर डाला है इसमें लास्ट में, और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐसे क्रश करके डाल दी है, तो कसूरी मेथी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। मुझे पहले डालना तो भूल गई थी, अभी मुझे तुरंत तुरंत याद आया, थोड़ा सा कसूरी मेथी, भुने जीरे का पाउडर लास्ट में डाला है और सब्जी हमारी तैयार। धनिया पत्ता कटा हुआ डाला, मिक्स कर दिया। अब जब तक मैं पूरी पापड़ तलूंगी तब तक थोड़ा सा वो नॉर्मल होगी सब्जी, तो अब जैसे खाएंगे लोग तो बताएंगे भाई कैसी बनी है। और ये सब्जी तैयार, ऐसा मन में आ रहा था। सब्जी पलट के मैंने डोंगे में रखी है, कढ़ाई धुल्ले में निकाली, और ये खीर रखी है एक भगोने में, और ये खीर पहले से बनी रखी है तो बहुत आराम रहा। इस टाइम पे अगर खीर बनाते तो वो गाढ़ी नहीं हो पाती है, ठंडी नहीं हो पाती है, तो ये हमारी ड्राई फ्रूट्स वाली खीर तैयार है। चावल भी है इसमें, पूजा वाले चावल है। और ये तेल रख करके मैंने कढ़ाई रखी, पता है ये इंडस वैली की कढ़ाई है, इतना बढ़िया लगा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जल्दी आपको रिव्यू दूंगी, मैंने मंगाया है इंडस वैली के प्रोडक्ट, एक तवा, ये मिनी कढ़ाई, और एक वैसा है टोस्टर जैसा, गैस टोस्ट करने के लिए पैन, बहुत बढ़िया। तो ये आज भी मैंने कढ़ाई यूज करी, फर्स्ट टाइम आज यूज कर रही हूँ मैं। तेल भरा मैंने तो छोटी सी है, गहरी सी, पूरा तेल ऐसे भरा हुआ सा है,
पूरी मेकर से मैंने पूरियां बेल के रखी और जैसे ही आंच तेज हुई मैंने पापड़ सबसे पहले तला है। देखो पूरा डूब गया, डुबकी मार के, क्योंकि जो मेरी कढ़ाई है ना वो थोड़ी फैली हुई सी है, गिलट वाली कसकुट वाली कढ़ाई, तो उसमें फिर वही होता है कि फैली होने की वजह से फिर वो डूब नहीं पाता कोई भी चीज। और इस कढ़ाई में इतने आराम से ऐसे फूल रहे थे जैसे नहीं नदी में डुबकी मार के ऐसे हो रहे, क्योंकि तोड़ जितना भी तेल है वो एक कटोरे जैसा है ये, तो इसमें गहराई है। पूड़ियां तो ऐसे ठम ठम गोलू मोलू सी फूल रही थी और ऐसे अलट पलट के फ्राई करने मजा आ रहा था इनको। बस मैं पूरी निकालती जा रही थी, शुभ मेरे साथ मेरी हेल्प कर रही है, और पूरी निकाली फटाफट से मैंने, एक थाली लगाई कि जा करके भोग लगा लूँ मैं और फिर दो थाली एक साथ करते करते खाना देती जाऊँ। और पूरी ना गरम गरम पसंद है सबको, खाना तो अच्छा लगता है, तो मैंने कहा दो दो लोग खाते जाओ गरम गरम पूरियाँ मैं देती। तो ये है हमारी आज सिंपल थाली पूजा के लिए, बूंदी का रायता, चावल की खीर और चमचम स्वीट, ये मार्केट से लाए हैं गुप्ता जी, पूरी सब्जी मटर पनीर की और पापड़। और बस ये यहाँ पर मैंने फटाफट से भोग लगाया। यहाँ पर ना थाली रखने में भी दिक्कत होती है, इस टेबल के ऊपर है ना मंदिर, इसलिए फिर वो जो साइड में टेबल है ना, हम अक्सर जब भी तीज त्योहार में भोग प्रसाद करना है तो हम बगल में रखते हैं ऐसे करके, क्या करें, भगवान समस्या सब समझते हैं, भगवान चाहेंगे तो कभी ना कभी ऐसा आएगा कि मेरा अलग से कमरा हो, मतलब मेरी बहुत इच्छा है कि पूजा के लिए अलग से रूम हो, वो दिन महाराज की कृपा से जब आए तो मैं सब कुछ एक ही कमरे में, मतलब पूजा का अच्छे से व्यवस्थित करूँ, मुझे बहुत मन है। तो धीरे धीरे होती हैं सारी चीज़ें, है ना, समय आता है तो सब चीज़ें होती हैं। तो अम्मा और इनका खाना हुआ, फिर बच्चों ने खाना खाया, क्योंकि जब अम्मा और ये लोग खा रहे थे ना तब इन लोग के कहीं फ़ोन चालू थे, किसी को अपने फ्रेंड्स को करना है, कोई फैमिली में फ़ोन जो भी आ रहे हैं तो यही लोग बातें कर रहे थे ना, बच्चे मामी मामा लोगों से नानी लोगों से। तो यहाँ पर मेरा काम पूरा हुआ, मैंने बर्तन फटाफट से धुले और जो चार छह पूड़ियाँ एक्स्ट्रा बनी रखी हैं वो मैं खाऊंगी, मतलब मैंने बना के रख ली अपने लिए और मैं बाद में खाऊंगी। तो ये चारों इनकी थाली धुल के पूरा काउंटर टॉप क्लीन किया, मैंने पूरी वो कढ़ाई भी ढक दी है और मैं खा लूंगी बाद में। तो ये लोग सीधे खाना खाने के बाद छत में गए पटाखे फोड़ने, तो मैं अभी नीचे ही थी, फिर थोड़ी देर बाद सोच रही थी जाऊं कि नहीं जाऊं, थोड़ा सा होके आती हूँ, पटाखे लोग फोड़ रहे हैं तो देखूं सब लोग कर रहे हैं ना पटाखे छत पे ही। लेकिन ये था कि इतना सब काम ताबड़तोड़ करते करते भी टाइम से सारा काम हो गया, मतलब हमने 7 बजे पूजा शुरू करी थी और उसके बाद मानो 1 घंटा हमारा पूजा दीपक में लगा, 8 बजे जो मैं खाना बनाने लगी, 9 बजे तक सबका खाना पीना हो गया, मैंने चौका बर्तन सब समेट लिए, 9:30 बज रहे हैं देखो इस टाइम, और मैं घर में टहल रही हूँ क्योंकि ये तीनों छत में चले गए हैं, शुभी शुभम और अम्मा कमरे में हैं अपने, और मैं चाहे अभी खा लूं चाहे थोड़ी देर से खा लूं, तो मैं सोच रही थी मैं थोड़ी देर से खा लूंगी, अभी भूख नहीं है, एक तो लगातार काम काम में ना बस प्यास रहती है। फिर जो बिल्डिंग में सब लोग छत में गए तो फिर आशा गई, मैं भी छत में गई और ये छत में देखो व्यू, चारों तरफ लाइटिंग लाइटिंग रोशनी और छत में इतने पटाखे फोड़े हैं इन लोगों ने, सबने छत में पटाखे फोड़े हैं, पूरी छत में भरा हुआ था कचरा, में तो आखिरी में पहुंची ना, ये लोग शायद 8:30 बजे से पटाखे फोड़ रहे हैं, ये लोग सुबह सब खाना पीना बना लेते हैं कि रात में ना बनाना पड़े सीधे, और फिर ज्यादा से ज्यादा समय ये लोग इंजॉय कर सके। हमें लग रहा है हमने लास्ट टाइम सुबह में खाना बनाया था, ऐसे ही किया था, थोड़ा ज्यादा सा बनाया था, लेकिन अभी सब लोग हैं तो फिर लगता है कि बन जाएगा दोनों टाइम ही, और जब हो रहा है तो हो रहा है ऐसा, फिर इसलिए काम में करते करते तो टाइम लग ही जाता है। छत में गई, ये कपड़े चेंज करके गए थे गुप्ता जी पटाखे फोड़ने के लिए, और शुभी हैं, इन्होंने थोड़े बहुत पटाखे फोड़े हैं, शुभम तो अपना बम और ये वो लगा हुआ था फुलझड़ी छुड़ाई या फिर जो भी मेहताब अनार दाने फोड़ रहा था, अनार से रोशनी अच्छी लगती है देखने में मुझे, और मैं कोई पटाखे नहीं फोड़ती, मुझे सिर्फ फुलझड़ी पसंद है फोड़ना जलाना और कुछ नहीं, बचपन से भी मैं कुछ ऐसे बॉम्ब वॉम नहीं फोड़ती, अनारदाना भी लगाना अच्छा लगता है। फिर सब लोग नीचे आए साथ में और अब मैंने खाना खाया, न्यूज देख रहे हैं, फिर हम लोग खाना खाने के बाद मैं और शुभी चौहान भाभी के पास आए मिलने, उनका फोन आया था शुभी आइए तो उसको कहना आएगी मिलने, और ये अकेले जाएगी नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर से मिल के आती हूँ। ये इन लोगों ने रंगोली बनाई है और पान के पत्ते, ये केले के पत्ते के ऊपर ऐसी डेकोरेशन की है, हाँ घोड़े और हाथी रखे हैं, मतलब मैसूर वाला जो ना लुक वैसा दिया उन्होंने, सुंदर एकदम।
और मनी प्लांट उनका हमेशा ही यहाँ भरा हुआ सा रहता है। तो हम लोग गए, ये रंगोली बनाई, साड़ी जैसा पैटर्न है, लक्ष्मी जी के चरण है, ये नेहा ने बनाई है रंगोली, और तुलसी जी के पास वो भाभी जी ने बनाई है। तो बस हम लोग सामने ही घर है ना, तो हम लोग मिलने आए हैं। इनकी डेकोरेशन तो खैर होती है कमाल, बहुत सुंदर। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं, नेहा और गंगा, हम लोग सब साथ में ही बैठे थोड़ी देर। और बस ये था कि मिलना है दीपावली में, मेरा तो आना नहीं होता है, आज टाइम से सब काम हो गए, तो हमने कहा चलो शुभी थोड़ी देर के लिए मिले, फिर ये अकेले जाएगी नहीं और मेरे पास रोज काम रहेगा, तो इन लोग से मिलना। तो हमारी कॉलोनी में जो मेरी फ्रेंड है ना भाभी जी, ये उनका ही घर है और उनकी दोनों बहुएं हैं, और फिर हम लोग मिल करके सबसे, भाई साहब भाभी बहुओं से मिल करके घर आ गए। और अब बस हम लोग आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।